दोस्तों मेरे साथ हैं इस समय टाउन क्लब मोहम्मदाबाद के एक पुराने धुरंधर खिलाड़ी, इनका नाम है रियाजुद्दीन खां और ये सेंट्रल फॉरवर्ड की पोजीशन में अपनी टीम के लिए खेलते थे। बाद में ये भर्ती हो गए थे सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ की अपनी सर्विस को पूरा करने के बाद ये आए घर वीआरएस लेकर और उसके बाद इस समय ये मैदान में युवा बच्चों को निखारते हैं, तराशते हैं ताकि उनका खेल और बेहतर हो सके। ये बताइए, कल यहाँ पर जो टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आयोजन को लेकर और दर्शकों से? आयोजन को लेकर दर्शकों में तो काफ़ी उत्साह है और ये हमारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है, इसको टीम ये ग्राउंड को सजाया है और हमें पूरा उम्मीद और आशा है कि ये बहुत अच्छा कल से टूर्नामेंट होने जा रहा है और हम अपील भी करेंगे कि लोग जो भी बाहर के हैं आए देखो, इसका लुत्फ़ उठाएं और बहुत अच्छा इसका यहाँ मैच होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल देव राय और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द समाचार। दोस्तों, अश शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद के मैदान में कल से 8 टीमों का अंतर प्रांतीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और यहां के दर्शक कल से दोनों राज्यों के बीच के मुकाबले का आनंद लेंगे। कल से बिहार और उत्तर प्रदेश की टीमें इस मैदान पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करेंगी, एक दूसरे से जीत के लिए जद्दोजहद करेंगी। क्या कुछ होने जा रहा है कल से इस मैदान पर, आइए जानते हैं इस फुटबॉल टूर्नामेंट को कराने वाले समिति के सचिव श्री फतेह मोहम्मद साहब से। टाउन क्लब मोहम्मदाबाद के द्वारा अक्सर ये आयोजन किया जाता है टूर्नामेंट का। पहले बहुत पहले जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल के नाम से कारगिल मेमोरियल टूर्नामेंट हर साल होते थे, लेकिन वो बंद हो गया कुछ चीज़ों, तो फिर इधर एक फुटबॉल मोहम्मदाबाद के अनीस खां थे तो बेचारे 5 फुट के, लेकिन गाजीपुर ज़िले के टॉप प्लेयर थे सेंटर फॉरवर्ड के, उन्हीं की याद में, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उन्हीं की याद में ये अनीस खां मेमोरियल टूर्नामेंट इस मिसाल कराया जा रहा है। टाउन क्लब ने ये फैसला लिया कि उनके नाम पर उनकी याद में एक टूर्नामेंट करा दिया जाए, तो इसका आयोजन हो रहा है जिसका कल उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद के करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और जिसमें बनारस स्पोर्टिंग क्लब बनारस, नेशनल स्पोर्टिंग क्लब बेलथरा की टीमों के दरमियान कल का मैच होगा उद्घाटन मैच। उसके बाद यहां पर इलाहाबाद, देवरिया, सीवान, सोनपा बिहार, समस्तीपुर और टाउन क्लब मोहम्मदाबाद की 8 टीमों के अंदर ये टूर्नामेंट चलेगा और उम्मीद है कि 10 तारीख को इसका फाइनल भी करा दिया जाए, लेकिन फाइनल हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ इधर उधर भी 2-1 दिन आगे भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यदि आप फुटबॉल के प्रेमी हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है आपके बगल में और शहीद मोहम्मदाबाद में। आइए और कल यानी कि दिनांक 3 फरवरी से आनंद लीजिए इस फुटबॉल टूर्नामेंट का। दोस्तों, इस समय मेरे साथ हैं मोहम्मद इफ्तिखार खां साहब, ये यहाँ के लोकल टीम के कोच हैं और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में रेफरी की भी भूमिका निभाएंगे। इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है उसके आयोजन के लिए जो इस मैदान को तैयार किया गया है इसकी तैयारी किस स्तर तक है। तो सर, क्या कुछ कहेंगे ग्राउंड की तैयारी के लिए और कैसे आप लोग कराने जा रहे हैं टूर्नामेंट, क्या कुछ उसके बारे में आप कहना चाहेंगे दर्शकों से? ग्राउंड जो है, हमारे बच्चे जो हैं क्लब के, टाउन क्लब के और कुछ सीनियर बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर रखा है ग्राउंड को, जो कि आपके सामने मौजूद है। इसमें ज़्यादा भूमिका पूरे बच्चों का है, एक इरफान बच्चा है जो कि अच्छा एक खिलाड़ी भी है और फिलहाल में इस टीम का एज ए कैप्टन भी है, तो लगभग ग्राउंड हमारा तैयार हो चुका है। और मैं अपने बारे में क्या, हमें तो इस ज़िले से एकमात्र एकलौता रेफरी पहले जो है क्लास 1 मैं निकला हूँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से मेरा रजिस्ट्रेशन है और उसमें बड़े गर्व की बात है कि यूपी का पहला रिम नंबर मुझे अलाट हुआ है और
बाकी तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों का सहयोग अच्छा रहा है, शुरू हमेशा होता आ रहा, और एक बड़ी खुशी की बात है कि एक पुराने खिलाड़ी जो हैं उनके नाम पे टूर्नामेंट हो रहा है, और अच्छी चीज़ है। कम से कम स्पोर्ट्स मैन स्पीड बच्चों के अंदर, उधर भी हमारे छोटे बच्चे अभ्यास कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। ये जो है इंटर कॉलेज का एक अच्छा ग्राउंड है, इसमें काफ़ी स्पेस भी आप देख रहे हैं, बच्चे लगे हुए हैं, और कल से टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इफ्तिकार खान साहब का साफ साफ कहना है कि इनका ग्राउंड तैयार है और कल से आप लोगों को एक बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। कल यानी तारीख आप दिमाग में रखें, 3 फरवरी शाम को 3 बजे से बनारस स्पोर्टिंग क्लब और बेलथरा स्पोर्टिंग क्लब के बीच में उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है।